हाय फ्रेंड्स, मैं सुकल पटेल बोल रहा हूँ। आज हम देखेंगे 6.3 रेस्पिरेशन। देखो, ये रेस्पिरेशन सिस्टम है, सही में तो बहुत बड़ी है सिस्टम, जो हम सोचे उससे भी बहुत ज़्यादा इसके अंदर एक्सप्लेनेशन है। पर यहाँ पे आपको ओवरव्यू दिया गया हुआ है यहाँ पर आपको। ओके, तो पहले हम देख लेते हैं एक्टिविटी 6.4। तो यहाँ पर क्या है, टेक सम फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर इन अ टेस्ट ट्यूब। देखो यहाँ पे क्या, मैं एक्टिविटी आपको समझा दे रहा हूँ। यहाँ पे क्या, एक लाइम वाटर एक टेस्ट ट्यूब में लिया हुआ है, और यहाँ से कर क्या रहा है कि पंप से यहाँ पे एयर यहाँ पे पास कर रहे हैं। और ये पास करने के बाद होता क्या है सिचुएशन कि यहाँ पे एयर पास करने से उसमें चेक किया जाता है कि इसका कलर चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। पर दूसरी जगह पे, ये पहले डायग्राम में तो ऐसे दिखाया है कि लाइम वाटर के अंदर एयर पास किया गया तो क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। पर दूसरे डायग्राम में आपको ऐसा दिखाया गया है कि जब कोई इंसान अगर उसका जो कार्बन डाइऑक्साइड उसके मुंह में से जो रेस्पिरेशन सिस्टम से जो बाहर निकालता है और वही इसके अंदर फूकेगा, मींस फूक मारेगा, तो उसके अंदर होगा क्या सिचुएशन कि इसका जो कलर होता है वो चेंज हो जाता है। क्योंकि लाइम वाटर जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करता है, इसलिए वो कलर चेंज कर देता है। तो अब हम देखेंगे एक्टिविटी 6.5 में क्या है कि फर्मेंटेशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। फर्मेंटेशन, देखो यहाँ पे शब्द यूज़ किया हुआ है फर्मेंटेशन। अब यहाँ पे है क्या, मैं आपको बता दूँ, फ्रूट जूस और शुगर सॉल्यूशन, ये दोनों की चीज़ हेल्प से हम फर्मेंटेशन कर सकते हैं। और आप बोलोगे कि सर ऐसे दूसरे कोई भी सिस्टम है क्या जिससे कर सकते हो? हाँ, बहुत सारी सिस्टम है आप कर सकते हो, पर यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा मैं आपको समझा दूँ फ्रूट जूस से। आप देखो, बेसिकली आपने सुना होगा कि भाई अल्कोहलिक ड्रिंक्स बनाई जाती है, तो फ्रूट जूस से आपने सुना होगा। भाई ग्रेप से हम क्या बनता है, तो ग्रेप से हम बोलते हैं वाइन बनाई जाती है। ओके, तो ये फर्मेंटेशन से ही बनती है, ये फर्मेंटेशन प्रोसेस जिससे बनती है। दूसरा क्या है कि शुगर सॉल्यूशन। अब शुगर सॉल्यूशन क्या है कि जो हम घर में, जो हमारे घर में जो चीनी होती है, ओके, वो चीनी में से भी आप अल्कोहल बना सकते हो यूजिंग द फर्मेंटेशन, और यहाँ पे इसका यूज़ करके। ओके, तो मीन्स फर्मेंटेशन सिस्टम क्या है, इसको करना कुछ भी नहीं है, एक शुगर लेना है, उसके अंदर यीस्ट ऐड करना है, शुगर और यीस्ट ऐड करके उसको एक बंद कर देना है, 2-3 दिन तक उस डब्बे को बंद कर देना है। और वो जार को बंद करने के बाद आफ्टर 3 डेज उसमें से जो गैस निकलेगी, वो गैस को हमको उसको ठंडा करना है, उबालने के बाद ठंडा करना है, और वो जो ठंडा करेंगे उसमें से हमको प्योर 100% अल्कोहल मिलेगा। ओके, तो जो अब ये एक्टिविटी हमने, ये एक्चुअली क्या है, ये मैंने कहाँ पे देखा हुआ था, तो मैंने एक यूट्यूब के वीडियो में मुझे बताया हुआ था कि जो अभी सैनिटाइज़र जो बनाते हैं 70% अल्कोहल का सैनिटाइज़र, तो उसके अंदर आपको अल्कोहल चाहिए। तो अल्कोहल हम घर की चीज़ में से कैसे बना सकते हैं, तो यहाँ पे शुगर सॉल्यूशन का मीनिंग क्या है, चीनी हमारी जो हम शुगर बोलते हैं, वो शुगर में से यहाँ पे अल्कोहल बनाया था, इसलिए वो मुझे याद है। ओके, अब आगे बढ़ रहे हैं फर्मेंटेशन का। आई थिंक जो मैंने वीडियो भी पहले आपको बताया हुआ है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे बात चल रही है कि भाई रेस्पिरेशन, देखो मैं इसको एक स्टोरी की तरह समझाना चाहता हूँ, और वो स्टोरी की तरह मैं आपको ये डायग्राम पर से समझाऊँगा, तो आपको ऐसा ईजी लगेगा। ओके, तो चलो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि भाई जब भी हम खाना खाते हैं, देखो मैंने आपको याद, इससे पहले मैंने बताया था न्यूट्रिशन सिस्टम। ओके, तो न्यूट्रिशन सिस्टम आपने देख लिया था, तो आपको मैंने बताया था भाई ग्लूकोज, फिर क्या कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स, ये क्या है, कॉम्प्लेक्स फूड थे। अब वो कॉम्प्लेक्स फूड में से हमने क्या बनाया था, ग्लूकोज बनाया था। तो इट मीन्स दैट होता क्या है, जो ग्लूकोज जो हमने पहले फूड लिया, ओके, फिर वो हमारे इंटेस्टाइन में गया, इंटेस्टाइन में जाने के बाद उसमें से हमने डिफरेंट प्रोसेस की, और डिफरेंट प्रोसेस करने के बाद हमको ग्लूकोज मिला। ओके, अब यहाँ पे क्या होता है, ये दिमाग में रखना है। अब ग्लूकोज तो हमारे पास आ गया, अब ग्लूकोज को हम एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे यूजिंग ऑफ ऑक्सीजन। ओके, यूजिंग ऑफ ऑक्सीजन, और वो कैसे होगा पूरी प्रोसीजर, वो यहाँ पे हम दिखाएंगे। यूजिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन दोनों के फॉर्म में यहाँ पे कैसे होता है, ये आपको बताएंगे। तो ये पूरी एक स्टोरी की तरह मैं आपको समझाऊंगा, तो आपको ये याद रह जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमने फूड में न्यूट्रिशन, इसके पहले वाला टॉपिक था, तो वहाँ से हमने ग्लूकोज तो ले लिया, चलो भाई ग्लूकोज तो आ गया हमारे पास। अब ग्लूकोज जो हमारे पास आ गया है, वो सेल के अंदर, देखो मेरे पास एक डायग्राम है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रहा मेरे पास डायग्राम। अब देखो ये डायग्राम के अंदर, यहाँ पे ये जो सेल है, ये सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है, ये इनसाइड जो लिक्विड होता है
उसमें वो जो ग्लूकोज होता है वो केमिकल रिएक्शन करता है, और केमिकल रिएक्शन करने के बाद यहाँ पे हमको आपको बता दे, अरे सॉरी मैं आपको बता रहा हूँ, देखो ये ग्लूकोज जो है साइटोप्लाज्म में रिएक्शन कर, साइटोप्लाज्म में रिएक्शन करे करके पाइरूवेट नाम का एक सॉल्यूशन बनाता है। तो मीन्स ग्लूकोज में से क्या बना, सबसे पहले पाइरूवेट, और ये ग्लूकोज किस में से, ये सिक्स कार्बन मॉलिक्यूल है, इसमें से क्या हमको बनाया, थ्री कार्बन मॉलिक्यूल बना प्लस एनर्जी। तो इट मीन्स दैट यहाँ पे हमको क्या देखने को मिला कि सबसे पहले ग्लूकोज को पाइरूवेट में कन्वर्ट किया। अब पाइरूवेट में कन्वर्ट होगा तो तीन का मीन्स सिक्स कार्बन मॉलिक्यूल थे उसकी जगह पर ये तीन हो जाएगा और थोड़ी एनर्जी भी रिलीज करेगा। तो सबसे पहले एनर्जी रिलीज कहाँ से होती है, तो ग्लूकोज में से पाइरूवेट में कन्वर्ट होता है, और कहाँ पे होता है, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है, तो मैंने आपको नाइन्थ में बताया था कि सेल के अंदर का बीच का जो लिक्विड होता है उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं, और उसके अंदर वो पूरी प्रोसीजर होती है, और वहाँ पे एनर्जी और थ्री कार्बन डाइऑक्साइड हमको मिलते हैं, और उसको हम पाइरूवेट भी बोलते हैं। ओके, तो अभी ये तो बात हो गई सर ग्लूकोज में से पाइरूवेट बना। अब देखो, अब मैं यहाँ पे सिंपली मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, देखो पूरी बात सुनना आप, इजी है, बहुत ही इजी है, आप समझोगे। तो मैं अभी थोड़ी देर यहाँ पे बैठा हूँ, अब होता क्या है, मेरी बॉडी को एनर्जी चाहिए, क्यों, क्योंकि मेरी बॉडी को मेंटेन करने के लिए, मैं यहाँ पे सीधा बैठा हूँ, एकदम स्ट्रेट बैठा हूँ, तो मुझे एनर्जी चाहिए कोई भी चीज़, कुछ भी करने के लिए, सोचने के लिए, बोलने के लिए, हाथ हिलाने के लिए, पाँव हिलाने के लिए, या कुछ भी करने के लिए मुझे एनर्जी चाहिए। तो अब मुझे ये एनर्जी कहाँ से मिल रही है, तो ग्लूकोज में से मुझे पाइरूवेट में कन्वर्ट हुआ, और वो पाइरूवेट में से यहाँ पे थोड़ी कुछ एनर्जी जनरेट हुई और वो मुझे वहां से मिल रही है। अब क्या है, अब मैं आपको बताऊं, तो सबसे पहले यहां पे मैं आपको बता रहा हूं कि मुझे जितनी थोड़ी थोड़ी एनर्जी चाहिए मुझे यहां से मिल रही है, पर अब मुझे चाहिए थोड़ी ज्यादा एनर्जी, क्यों, क्योंकि मैं यहां पे वॉक करना स्टार्ट कर रहा हूं। क्या करना स्टार्ट कर रहा हूं, वॉक करना स्टार्ट कर रहा हूँ। अब वॉक करना स्टार्ट करूँगा तो मुझे ज़्यादा एनर्जी चाहिएगी, कंपेरिजन में यहाँ पे मुझे जितनी एनर्जी चाहिए थी उससे ज़्यादा मुझे एनर्जी चाहिएगी। तब वो सिचुएशन में क्या होता है, हमको प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के अंदर हमको क्या होता है कि जो हमारा पाइरूवेट है, पाइरूवेट कन्वर्ट होके कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी के फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाता है। तो अल्टीमेटली हुआ क्या यहाँ पर कि भाई जब ज़्यादा एनर्जी चाहिए तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के अंदर वो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी रिलीज़ करता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पाइरूवेट में से केमिकल प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ पाइरूवेट प्लस ऑक्सीजन वो केमिकल रिएक्शन करेंगे और हमको मिलेगा क्या, ये तीन चीज़ मिलेगी, और ये तीन चीज़ में हमको क्या ज़रूरी है, एनर्जी। ओके, तो हमको हुआ क्या, जब तक मैं यहाँ पे बैठा था तो कम एनर्जी चाहिए थी तो मैंने ये पाइरूवेट का यूज़ कर लिया, पर जब मुझे ज़्यादा एनर्जी चाहिए तो मुझे यहाँ पे ऑक्सीजन से प्रेजेंट में केमिकल रिएक्शन करवाना पड़ेगा पाइरूवेट के साथ, हमारी बॉडी के अंदर होगा वो ऑटोमेटिकली होता है, और हमको मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी। तो वो प्रोसीजर होता क्या है, तो वो प्रोसीजर होता है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अब आप बोलोगे सर कैसे, ये हमको इमेज में बताओ, तो देखो ये रहा, तो हमारे सेल के अंदर, जो बॉडी के अंदर जो सेल होता है वो सेल के अंदर, हर एक सेल के अंदर एक माइटोकॉन्ड्रिया होता है, और ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसको हम पावर हाउस भी बोलते हैं। नाइन्थ में आपको क्वेश्चन आता था कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस क्यों बोलते हैं, उसकी वजह ये है कि भाई ये जो केमिकल रिएक्शन करके हमको एनर्जी रिलीज करता है विद प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ये यहाँ पे देखो आपको बताया हुआ है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के प्रेजेंस के अंदर होता है ये। तो देखो पहला यहाँ पे दिखा हुआ है कि इन माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन पाइरूवेट को कन्वर्ट किया और क्या बना हमारा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। ओके, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब तो ये बात थी भाई, पहले मैं बैठा रहा था तो पाइरूवेट में से मैं एनर्जी ले रहा था, अब मैं थोड़ा चलने लगा, मुझे थोड़ी ज़्यादा एनर्जी चाहिए, तो मुझे माइटोकॉन्ड्रिया के हेल्प से, जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस से, क्या यहाँ पे हमको इम्पोर्टेंट है ऑक्सीजन के प्रेजेंस से, बरोबर, ऑक्सीजन से प्रेजेंस से मुझे थोड़ी ज़्यादा एनर्जी मिलने लगी। ओके, अब मैं बोल रहा हूँ कि मैं अभी चल नहीं रहा हूँ, अभी मैं दौड़ रहा हूँ, अब मैं दौड़ रहा हूँ, तो अब क्या चाहिए, सिंपल सी बात है, जब आप जितना काम करोगे उतना ऑक्सीजन आपको ज़्यादा चाहिए, उतना एनर्जी भी आपको ज़्यादा चाहिए।
तो अब सिचुएशन क्या हो रहा है, जो पायरोवेट है वो अब होता क्या है, लेक ऑफ ऑक्सीजन। देखो यहाँ पे ध्यान रखना, अब यहाँ पे लेक ऑफ ऑक्सीजन, अब हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है। क्यों, मैं दौड़ रहा हूँ और मेरी एनर्जी यहाँ से ये प्रोसेस करने में सारा ऑक्सीजन वेस्ट हो रहा है, मीन्स यूज़ हो रहा है, पर यहाँ पे हमारा जो मसल्स है, इन आवर मसल्स जो होता है उसमें जो पायरोवेट और मसल्स में केमिकल रिएक्शन होके हमको मिल रहा है लैक्टिक एसिड और एनर्जी मिलता है। तो देखो यहाँ पे हुआ क्या, सर एनर्जी हमको कितनी तरह से मिलता है, तो एनर्जी हमको तीन तरह से मिल रहा है। पहले क्या, ग्लूकोज में से पायरोवेट में कन्वर्ट तो हो गया, उसके बाद हमको एनर्जी किससे मिलता है, तो सर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में मिलता, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन मीन्स ऑक्सीजन के प्रेजेंस में केमिकल रिएक्शन होता है और हमको मिल रहा है। फिर दूसरा कि लेक ऑफ ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन कम होता है, जब मैं दौड़ता हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, तो सिचुएशन क्या होता है, आधा ऑक्सीजन इसमें यूज़ होता है, आधे नहीं सब मैक्सिमम ऑक्सीजन इसमें यूज़ होता है। जब ऑक्सीजन की जब कम कम मात्रा हो जाती है हमारी बॉडी के अंदर, तब क्या होता है, ये प्रोसीजर स्टार्ट हो जाता है। और ये कहाँ पे होता है, इन अवर मसल सेल के अंदर होता है। तो सिचुएशन क्या होता है, तो लेक ऑफ ऑक्सीजन जो पायरोवेट है वो लैक्टिक एसिड और एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये आपके दिमाग में याद रखना है। अच्छा, अब ये बात और एक्सट्रीमली ले जाते हैं। मैं थोड़ा धीरे दौड़ रहा था अब तक, अब मैं बहुत फास्ट दौड़ने लगा और मैं बहुत हाफ रहा हूँ, तो मुझे जितना चाहिए था उतना ऑक्सीजन तो मुझे मिल रहा था। फिर लेक ऑफ ऑक्सीजन भी हो गया था, फिर उसके बाद मेरे को जितना चाहिए था वो मिल रहा था, पर उससे भी ज़्यादा चाहिए। और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जब नहीं मिलता है तब वो सिचुएशन पे हमको क्या, कहाँ से मिलता है, तो वो सिचुएशन में जो पायरोवेट होता है वो सिचुएशन में इसके साथ फर्मेंटेशन करता है, और फर्मेंटेशन करने के बाद हमको क्या मिलता है, इथेनॉल मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है और एनर्जी मिलता है। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, पायरोवेट और यीस्ट, ये दोनों केमिकल रिएक्शन होगा, और ये केमिकल रिएक्शन होके हमको इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी हमको मिलता है। ये कैसे होता है, तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के अंदर, मींस ऑक्सीजन नहीं होता है यहाँ पे। तो ये हमको सिंपल सी ये तीन एक्टिविटी है, आपने समझ में आ गया होगा। तो आपको याद रखना है, ग्लूकोज में से पायरोवेट, पायरोवेट में अगर ऑक्सीजन प्रेजेंस है तो हमको कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी मिलता है। अगर लेक ऑक्सीजन हो, मीन्स कम हो ऑक्सीजन, तो लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी मिलता है, और जो मसल्स के हेल्प से होता है। और तीसरा किसके हेल्प से होता है, यीस्ट की हेल्प से होता है। और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन नहीं होता है तब ये इन यीस्ट की हेल्प से पायरोवेट में से हमको क्या चीज़ मिलती है, तीन चीज़ मिलती है, इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी हमको मिलता है। तो अगर आपने ये याद रख लिया तो आपको पूरा यहाँ पे आधे से ज़्यादा आपको याद रह जाएगा। तो हम चलो आगे बढ़ के देख लेते हैं। पहले सबसे पहले तो यहाँ तक तो मैंने आपको समझा दिया था, अब यहाँ पे आगे बढ़ रहे हैं। अब जो वो जो था ना, हमने जो समझाया था वो आपने याद रखा, तो ये सिर्फ पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी, ऑटोमेटिक आप लिख सकते हो। चलो पढ़ रहे हैं। We have discussed the nutrition in the organism in the last section. The food material taken in the during the process of the nutrition is used in cell to the provide the energy for the various life process. तो यहाँ पे हमने इससे पहले एक टॉपिक के में हमने देखा कि न्यूट्रिशन की हेल्प से हमको एनर्जी मिलती है, और वो हमारी लाइफ प्रोसेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। Derive the organism do this in the different way. सम यूज ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन द ग्लूकोज कम्प्लीटली इन द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब देखो यहाँ पे तीन चीज़ हमको बताई थी, विथ ऑक्सीजन, लेक ऑफ ऑक्सीजन और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे सबसे पहले जो यहाँ पे आपको दिखा रहा है तीन डिफरेंट में से, पहला वाला जो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है उसकी बात बोल रहे हैं। तो सम यूज ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज कम्प्लीटली इन टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, एंड सम यूज अदर पाथवे दैट डू नॉट इन्वॉल्व ऑक्सीजन। इन ऑल केसेज द फर्स्ट स्टेप इज द ब्रेक डाउन ऑफ द ग्लूकोज अ सिक्स कार्बन मॉलिक्यूल्स इन टू द थ्री कार्बन मॉलिक्यूल कॉल्ड द पायरोवेट। तो सबसे प्रोसीजर पहली क्या हुई थी, ये जो हमने बताया तीन प्रोसीजर थी कि भाई ऑक्सीजन के प्रेजेंस में लेक, ऑक्सीजन का लेक है हमारे पास, और मीन्स लेक ऑफ ऑक्सीजन है, और उसके बाद थर्ड है जो हमारा कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन था। उससे पहले क्या प्रोसीजर होता था, तो सर सिंपल है, ग्लूकोज में से पायरोवेट में कन्वर्ट होता था, मीन्स सिक्स मॉलिक्यूल जो का सिक्स कार्बन मॉलिक्यूल था वो थ्री कार्बन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होता है, प्लस एनर्जी रिलीज होती थी। ओके, तो वही यहाँ पे हमको समझाया गया है। ओके, और यहाँ पे बताया गया हुआ है, दिस प्रोसेस टेक द प्लेस इन द साइटोप्लाज्म एंड फर्दर द पायरोवेट मे बी कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये सब प्रोसीजर कहाँ होती है, साइटोप्लाज्म में होती है, एंड फर्दर
एंड फर्दर कहाँ गया, हाँ, द पायरुवेट में भी कन्वर्टेड इंटू इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड, वो इथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। दिस प्रोसेस टेक प्लेस इन द यीस्ट ड्यूरिंग द फर्मेंटेशन, और वो फर्मेंटेशन मीन्स जब हमने बोला था ना कि भाई एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, वो फर्मेंटेशन के हेल्प से होता है, फर्मेंटेशन से होता है, वो याद रखना है, सबसे पहला वाला था जो ऊपर पे था वो। सिंस दिस प्रोसेस टेक प्लेस इन दिस एब्सेंस ऑफ एयर इज कॉल्ड द एनएरोबिक रेस्पिरेशन। अब देखो ये जब देखो ये सबसे पहली जो थी ना फर्मेंटेशन वाली सबसे पहली देखो यहाँ पे ये याद रखना है एनएरोबिक रेस्पिरेशन और एरोबिक रेस्पिरेशन। तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन कब होता है, जब ऑक्सीजन एब्सेंट होता है उसको हम बोलते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन। अब ये सिचुएशन है उसको हम क्या बोलते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एनएरोबिक का मीनिंग ये होता है कि यहाँ पे ऑक्सीजन एब्सेंट है, और इसको बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, मीन्स इसको ये केमिकल रिएक्शन बोलते हैं इसको एरोबिक रिएक्शन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंस है, तो यही यहाँ पे बताया हुआ है। ओके, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। तो कहाँ पे थे हम, ये रहा एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ब्रेक डाउन दिस पायरुवेट यूजिंग द ऑक्सीजन टेक प्लेस इन इन द माइटोकॉन्ड्रिया एंड दिस प्रोसेस ब्रेक डाउन अप थ्री कार्बन पायरुवेट मॉलिक्यूल टू गिव द थ्री मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड द अदर प्रोडक्ट इज वाटर सिंस द प्रोसेस टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ये देखो एनएरोबिक और एरोबिक क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है, तो इज कॉल्ड द एरोबिक रिएक्शन रेस्पिरेशन। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एरोबिक रेस्पिरेशन, इसको हम एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। द रिलीज ऑफ एनर्जी इन दिस एरोबिक रेस्पिरेशन इज़ अ लॉट ग्रेटर देन द एनएरोबिक प्रोसेस। अब ये ऐसा बोल रहा है कि एरोबिक में जितनी एनर्जी रिलीज होती है ना वो एनएरोबिक में नहीं होती है। मीन्स इट मीन्स दैट कि ऑक्सीजन के प्रेजेंट में ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है और ऑक्सीजन के एब्सेंट में कम एनर्जी रिलीज होती है। समटाइम वेन दिस इज द लेक ऑफ ऑक्सीजन इन द मसल सेल्स अनदर पाथवे फॉर द ब्रेक डाउन द पायरुवेट इज द टेकन एंड हियर द पायरुवेट इज द कन्वर्टेड इन टू लैक्टिक एसिड विच इज ऑल्सो थ्री कार्बन मॉलिक्यूल एंड दिस बिल्डअप ऑफ लैक्टिक एसिड इन आवर मसल्स ड्यूरिंग सडन एक्टिविटी कॉजेज क्रैम्प। देखो ये क्या बोल रहा है कि कई बार देखो ये है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कि भाई ये जो बीच वाला है सेकंड नंबर वाला कि लेक ऑफ ऑक्सीजन। देखो मैं बहुत एक्सरसाइज करता हूँ समटाइम उसके बाद क्या होता है मालूम है कि आप एक बार थोड़ा दौड़ना चालू करोगे, अब जब तक आपकी कैपेसिटी है तब तक दौड़ोगे, पर उससे भी अगर आप ज़्यादा दौड़ोगे तो क्या हो जाएगा मालूम है कि एक तो लेक ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा, मीन्स ऑक्सीजन हमारी बॉडी में चाहिए उतना तो नहीं, हाँफने लगते हैं हम, तो हाँफते क्यों है उसकी वजह क्या है, हम थक जाते हैं दौड़ दौड़ तो हम क्यों था मीन्स हाँफते क्यों है, ऐसे क्यों करते हैं, उसकी वजह ये है कि हमारी बॉडी को जितना ऑक्सीजन चाहिए उससे कम मिल रहा है इसलिए हाँफ रहे हैं, उससे हम हाँफने की वजह से क्या होता है ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर ज़्यादा जाता है पर फिर भी जितना चाहिए उतना नहीं जाता है। तो तब सिचुएशन क्या होता है, तब जो लैक्टिक एसिड और जो एनर्जी जो होता है ये पूरी प्रोसीजर कहाँ पे होती है, इन अवर मसल सेल्स होती है। देखो यहाँ पे मसल सेल्स के अंदर होती है और वो मसल सेल के अंदर वो जो होता है उसकी एक्टिविटी जो पूरी होती है अगर हम ज़्यादा दौड़ेंगे ना तो ये सिचुएशन क्या होगा, तो कोजिस क्रैम्प्स मीन्स का मीनिंग क्या होता है, हमारे जो स्नायु होते हैं ना वो एकदम जकड़ जाते हैं, मीन्स बहुत दर्द करते हैं, नस चढ़ जानी, उसको हम ये बोलते सिंपल सी भाषा में अरे यार मुझे नस चढ़ गई अचानक, क्यों वो क्रैम्प क्यों आता है, उसकी वजह ही ये है कि ये पूरी प्रोसीजर हमारी मसल्स में होती है और लेक ऑफ ऑक्सीजन के वजह से। ओके, तो ये जब होती है और ज़्यादा दौड़ेंगे तब ये सिचुएशन आता है, तो ये आपको याद रखना है। तो आपको ये तीनों पूरा ये याद रखोगे तो आपको पूरा याद रह जाएगा, तो बस यही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। दूसरा सब पढ़ लेते हैं तो आपको दिमाग में उतर जाएगा। द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द सेल्यूलर रेस्पिरेशन इज इमीडिएटली यूज टू सिंथेसाइज अ मॉलिक्यूल कॉल्ड द एटीपी। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द सेल्यूलर रेस्पिरेशन, तो ये सेल्यूलर जब रेस्पिरेशन होता है तब क्या रिलीज होता है, तो एटीपी रिलीज होती है। क्या होता है, एटीपी रिलीज होता है, और ये बोला इमीडिएटली यूज द सिंथेसाइज टू मॉलिक्यूल कॉल्ड एटीपी, और एटीपी का फुल फॉर्म है एडिनोसाइन ट्राइफोस्फेट विच इज़ यूज
यूज़ टू फ्यूल ऑल अदर एक्टिविटीज़ इन द सेल। तो ये कैसे काम करता है, तो फ्यूल की तरह काम करता है और हमारी जो सेल के अंदर जो अदर एक्टिविटीज़ है उसको कंप्लीट करने का काम करता है। तो मीन्स वर्ल्ड अल्टीमेटली क्या हो, एटीपी हमारा एक फ्यूल है, जैसे एक्टिवा में पेट्रोल होता है फ्यूल, वैसे यहाँ पे अपने बॉडी में एटीपी वो एक फ्यूल है। इन दिस प्रोसेस एटीपी इज ब्रोकन डाउन गिवन राइज टू द फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी विच कैन डिराइव द एंडोथर्मिक रिएक्शन टेक प्लेस इन द सेल। तो ये ऐसा बोल रहा है कि जो एटीपी जो होता है जब वो ब्रोक डाउन होता है और हमको जितनी एनर्जी चाहिए वो एनर्जी हमको मिलती है और वो क्या होता है, फिक्स होती है। जैसे हम बोले कि भाई एक वन एटीपी अगर ब्रोकन होता है तो हमको कितना एनर्जी मिलता है, तो वन मोल एटीपी अगर ब्रोकन डाउन होगा तो 30.5 किलो जूल पर मोल जनरेट होता है। मतलब एक मोल एटीपी अगर अगर रिलीज करेगा एनर्जी तो कितनी कर सकता है, वो 30.5 किलो जूल वो एनर्जी रिलीज कर सकता है। अब देखो यहाँ पे एटीपी क्या है, पहले हम वो पढ़ लेते हैं। एटीपी इज़ द एनर्जी करेंसी ऑफ द मोस्ट सेलुलर प्रोसेस। एटीपी का एनर्जी करेंसी का मीनिंग क्या है, वन टाइप ऑफ फ्यूल। दिस एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द रेस्पिरेशन इज यूज टू मेक द एटीपी मॉलिक्यूल फ्रॉम द एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। अब देखो ये क्या है कि ये बनता कहाँ से, एटीपी हमको मिलता कहाँ से है, तो वो मिलता है एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट है उसमें से जब फॉस्फेट्स ऐड होता है और एनर्जी अगर हम दी जाती है तो हमको एटीपी बनता है। तो अल्टीमेटली हुआ क्या है यहाँ पे कि एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट प्लस फॉस्फेट, ये यहाँ पे ध्यान रखो, एडिनोसाइन डाई मीन्स डी, इसलिए यहाँ पे डी लिखा हो एडीपी। तो एडिनोसाइन डाई फॉस्फेट प्लस फॉस्फेट एनर्जी, जब उसके साथ हम एनर्जी दी जाती है, एनर्जी मिलती है, तब जाके एटीपी जनरेट होता है। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, बस और कुछ नहीं है। तो बस बेसिकली यही था जो आपके काम में आएगा। ओके, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।